इस वीडियो को स्किप करने के पहले 2 मिनट जरूर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपका कुछ बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि मैं जो आज बात बताने वाला हूँ वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात कि आज के स्टूडेंट लाइफ में आप सभी लोगों ने टाइपिंग जरूर सीखना है, क्योंकि टाइपिंग सीखने से आपके हो सकता है कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में आपको आसान बन जाता है, जहाँ पर आपको रिटेन एग्जाम के मुकाबले में आपको कम पढ़ाई करने के मुकाबले में आसानी से जॉब मिल जाती है। तो इसलिए लोग टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग सीखते हैं, और जिनका टाइपिंग अच्छा होता है, टाइपिंग की वजह से मैं आपको सच में बता दूं कि मेरा 3 बार सिलेक्शन नहीं हो पाया। पहली बार जब सिलेक्शन में टाइपिंग दे रहा था तो मुझे एकदम आती ही नहीं थी, मैं टाइपिंग देने ही नहीं गया। फिर दूसरी बार जब मैंने हल्का फुल्का सीखा तो देने गया था, तो मेरे उतनी अच्छी नहीं आती थी, है ना, जितनी अच्छी आनी चाहिए। फिर तीसरी बार मैंने थोड़ा सीख कर गया था, लेकिन उतनी भी तब भी स्पीड नहीं थी जितनी थी, लेकिन अब फिलहाल में जब स्पीड अच्छी थी तब कोई एग्जाम ही नहीं है, है ना। समझ सकते हैं आप, है ना, कि आपके लाइफ में ये चूक ना हो, इसके लिए मैं आपको लगातार ये बता रहा हूँ कि आपको बस 3 चीज़ें लेनी है। केवल 3 चीज़ें लेने से आपके सबके पास आजकल एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास होता है, तो एक एंड्रॉयड मोबाइल आपके पास होगा तो याद रखिए बस ये डिवाइस ले लीजिए, ये डिवाइस, इसी का नाम है OTG, यही अगर आपके पास हो जाएगा तो आसानी से आप टाइपिंग सीखेंगे घर बैठे रातों दिन रात। अब मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहे हो, वहाँ पर सीख रहे हो टाइपिंग, तो वो तो अपना डिवाइस, अपना कंप्यूटर या लैपटॉप आपको 2 या 3 घंटे बहुत मैक्सिमम दे सकता है, ऐसा नहीं दिन भर दे सकता है ना। तो 2 या 3 घंटे के बाद आप कहाँ अपने घर पर आकर प्रैक्टिस करोगे भाई साहब, है ना, पढ़ाई करते हो तो काफ़ी कोचिंग वगैरह पढ़ते हो तो कोचिंग में टाइप सीख जो सीखते हो घर पर आकर प्रैक्टिस कर लेते हो किताबों से, लेकिन घर पर आकर कहाँ प्रैक्टिस करोगे। या देखिए ये काम करेगा आपका OTG, OTG आपका हेल्प करेगा, एक तरफ USB का कनेक्शन दिया होता है, एक तरफ से मोबाइल से चार्जर का कनेक्शन दिया होता है पिन की तरह। तो इधर मोबाइल के मोबाइल एक चाहिए आपके लिए, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है भाई, है ना, और बस एकमात्र आपको यही डिवाइस चाहिए जिसका नाम है, आपको सबको पता है यार, नाम बताने की जरूरत नहीं है, है ना, ये कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड वैसे भी आपको मिल जाएगा, बहुत से महंगा नहीं मिलता है, मिल जाएगा लगभग 150 रुपये के आसपास में या 100 रुपये के आसपास में एवरेज भी मिल जाता है ना, तो आप ले सकते हैं आसान से, ठीक ना, इतने मिल जाता है, ठीक ना। तो यार ये मैं आपको दिखा दूँ कि इसको कनेक्शन कैसे करते हैं, या देखिए इस मोबाइल से और इस OTG से कनेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस ज़्यादा बिना कनेक्शन के ही आप करोगे तो नहीं कर पाओगे, है ना, और आप परेशान हो जाओगे कि कैसे आप कनेक्ट करें, कैसे टाइपिंग करें, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, पहला काम आपको मोबाइल को चार्जर कनेक्शन से इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है, ठीक ना, पहला काम। उसके बाद आपको कनेक्ट करने के बाद आप ये USB वाला जो है कीबोर्ड का USB वाला पोर्ट आपको इसको इसमें से कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट कर दिया। अब आपको अपने मोबाइल में जाना है, सेटिंग ये करना है, तभी आपका आपका काम करेगा, ठीक ना। सेटिंग में जाने के लिए मैं आपको अपने मोबाइल का सेटिंग दिखाता हूँ, ठीक ना, अपना मोबाइल का स्क्रीन दिखाता हूँ आपको, इधर सामने में मोबाइल का स्क्रीन दिख रहा होगा, है ना, आप देखिएगा ये मेरा मोबाइल में इसको स्क्रीन ऑफ, मतलब आप लोग मेरा पासवर्ड देख लिए होगा यार, हाँ कोई धोखा नहीं करना, मेरा मोबाइल हमेशा डिस्चार्ज ही रहता है यार, देखो 8-9% चार्ज है, और हमेशा इसके मोबाइल का इस मेरे बेचारे का ना हमेशा क्या होता है, ये वाला पोर्शन देख रहा हूँ, हमेशा स्पेस की प्रॉब्लम होती है, कहते हैं बेचारा हमेशा रोता रहता है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। अच्छा देखते हैं, मैं आपको अपने सेटिंग में लेके जाता हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा कि मान लीजिए आपके यहाँ डेवलपर ऑप्शन होगा, वो नहीं अगर आपने ऑन किया होगा तो दिक्कत होगा, ठीक ना, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके सबके यहाँ पर एक OTG ऑप्शन ये दिया होगा, ये वाला करना डेवलपर वाला मैटर नहीं है, ये यदि OTG यहाँ पे एक ऑप्शन जो दिख रहा है ये सेटिंग में दिया होता है ना, सेटिंग में ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना हाईलाइट में, तो वो आपको पता होगा यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर जाएंगे बस इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के लिए याद देखिएगा बस ऑन कर देना है, अगर आपके मोबाइल में OTG ऑप्शन नहीं मिला तो आप वो कहीं ना कहीं दिया रहता है, सब ऑप्शन मिला कर या ऑप्शन मिला कर दे देता है, तो आपको खोजना पड़ता है। अगर आपको तब भी नहीं मिला है तो अपने मोबाइल का नाम और मॉडल नंबर लिखकर OTG कहाँ है यूट्यूब में खोजना है, मिल जाएगा सिंपल सा, ठीक ना। याद देखिएगा यहाँ तक हो गया, बस यहाँ पर जैसे ही ऑन मैंने कर दिया तो याद देखिए सबसे पहला काम आपको याद देखिएगा ये दिखा रहा हूँ आपको, है ना, कैसे दिखाऊँ यार, चलो कैमरा से दिखा देता हूँ, कैमरा देख रहे हो, ये कैमरा है और ये मेरा वो काम किया कि नहीं, यहाँ पर क्लिक करके देख लेता हूँ, देख रहे हो यहाँ पर, अरे यार क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो ये देख रहे होंगे ये मेरा जो ऑप्शन है ये मेरा कीबोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, तो मैंने ये ऑन ऑफ देख रहे हो, या तो न्यू लॉक से आप चेक कर सकते हैं या तो कैप लॉक से, कैप लॉक अगर मैं दबाऊंगा तो याद रखना कैप लॉक से यहाँ पर बटन दब लाइट ऑन हो गया, मेरा मेरा कीबोर्ड ऑन हो गया, मेरा कीबोर्ड ऑन हो गया, क्लियर है कि नहीं।
तो मेरा कीबोर्ड ऑन हो गया है, तो चीज़ से बात है, अब मुझे दिखाना है आपको कि टाइपिंग कैसे करना है। तो अब मुझे सबके मोबाइल में एक और क्या दिया होता है, नोट्स दिया होता है, और नोट्स नहीं चाहते तो अगर आप एप्लीकेशन का प्रयोग करना चाहते हो तो याद रखिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, है ना, बहुत से एप्लीकेशन है, कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए अच्छा पड़ेगा वो आप देख लेना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट टेस्ट लिख लेना, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट एप्लीकेशन लिख देता हूँ और सर्च मार देता हूँ, है ना। तो मेरी तो स्पीड ही खराब दिख रही है ना, तो आ गया, ठीक ना, आ गया। तो आपको टाइपिंग स्पीड टेस्ट इस टाइपिंग मास्टर वगैरह का बहुत सब बहुत बड़े एप्लीकेशन है, मैंने इंस्टॉल किया ऐसे एप्लीकेशन को, है ना। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है जो आपको अच्छा लगता है आप बारी बारी चेक लीजिएगा, और नहीं तो आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है तो आप गूगल में क्रोम में आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, सर्च मार लीजिएगा। मैं मान लीजिए गूगल में जो इंस्टॉल नहीं करना, तो मैं गूगल में सर्च मार लीजिएगा टाइपिंग टेस्ट लिख लेता हूँ, है ना। चलो टाइपिंग टेस्ट आ गया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टाइपिंग स्पीच टेस्ट, लिख करके सर्च मार लेना, है ना। बिना एप्लीकेशन के डाउनलोड किए भी आप सीख सकते हो ना, ऐसे बहुत से ऑप्शन खुल जाएंगे आपके यहाँ पर, है ना। मुझे कोई भी ऑप्शन अच्छा लगा जो मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, है ना। ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं दूसरा ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं इस बार कैसा दिखाता है। यहाँ पर दिया कितने मिनट का आपको चूज करना है, तो मैंने एक मिनट का ले लिया, एक मिनट का देख लेता हूँ आपको, बस ऐसे दिखाना है। आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो ज्यादा मिनट का लेकर एक्सरसाइज करना, ठीक ना। ये कुछ एड्स वगैरह दिखा रहे हैं तो इसको मैंने कट कर दिया, अरे भाई कट कर दिया तो तुम्हें क्या हो गया, थोड़ा स्लो है मेरा, है ना। अच्छा वो जो मैंने इंस्टॉल किया था वो बेचारा आ गया इंस्टॉल होकर, है ना, उसकी वजह से स्लो हुआ है। अभी बेचारे फील हो रहा है यार कि इनसफिशियंट बैलेंस है, तुम्हें ऊपर से ओवरलोड करते जा रहे हो और ओवरलोड चाप दे जा रहे हो यार, तो थोड़ा समझ जाना यार। अब आपको कैरेक्टर प्रैक्टिस करना, वर्ड प्रैक्टिस करना, सेंटेंस प्रैक्टिस करना, जैसे भी आपको प्रैक्टिस करना आप कर सकते हो, है ना। मैं डायरेक्ट आपको कोई भी लिख के दिखा देता हूँ, छोड़े यार मैं सब क्या लिख के दिखाऊँ आपको, मैं हल्का से को नोट्स लिख के देता हूँ, लिखा देता हूँ, है ना। आप लोग टेस्ट कर लेना, ठीक ना। हाँ मैंने मुझे जितेंद्र यादव लिखा हुआ है, तो याद देखिए इस सबको हटा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल कट, और फिर मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको टाइपिंग करूँगा किससे भाई, कीबोर्ड से, है ना, कीबोर्ड से दिखेगा। अब आपको मेरा चेहरा नहीं देखने की जरूरत है ना, कीबोर्ड दिखने, नहीं तो आप लोग कहोगे सर कुछ न झोल कर रहे हो, ठीक ना। तो आप दिखा देता हूँ आपको अपना कीबोर्ड, चलो। तो ये मेरा कीबोर्ड है, मैंने ये लिख रख दिया अपना हाथ, है ना। अब आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक ना, कैप लॉक दबा देता हूँ ताकि बड़ा बड़ा लिखे, हाय माय नेम इज लिखे, जैसे गलत हुआ तो मैंने काट दिया, है ना, इज जितेंद्र यादव, आई टीच यू क्या सिखा रहा हूँ, इंग्लिश टाइपिंग, ENGLI यस इंग्लिश, TYPING टाइपिंग टेस्ट स्पीड, और क्या लिखूँ क्या लिखूँ, बोलो बोलो जल्दी बोलो क्या लिखूँ यार, है ना। तो देख रहे हो ये स्पीड होनी चाहिए कम से कम थोड़ी सी स्पीड, अभी भी मेरी कम है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं टाइपिंग कर रहा हूँ, तो इसी हिसाब से आपको टाइपिंग करना होता है, ठीक ना। तो ये आपको मैंने पूरा प्रोसेस दिखा दिया, अब ये मैं यार मेरा मोबाइल ये देख लेना, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वही आपको मोबाइल में भी शो कर रहा होगा, है ना, देख लोगे तो ये मोबाइल में टाइपिंग जो लिखा हुआ वो मोबाइल में भी शो कर रहा है। तो याद देखिए चीज़ें सब आसान है, आपको बस तीन चीज़ लेनी है, एक OTG कनेक्शन के लिए आपको OTG पोर्ट लेना,
डिवाइस सपोर्ट लेना है ना, दूसरा आपको एक कीबोर्ड लेना है, तीसरा एंड्रॉयड आपके पास होगा ही यार। तो 5-10 रुपये का OTG का पोर्ट मिल जाएगा, तो आप ले लीजिएगा। और 100 रुपये का लगभग, या तो सेकेंड हैंड का 50-40 रुपये का ले लेना सेकेंड हैंड का, क्योंकि जरूरत नहीं नया नया का, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगेगा वैसा ले लेना, आपको काम बन जाएगा, ठीक है ना। टाइपिंग कर लेना, 1 महीना में टाइपिंग एकदम स्पीड अच्छा हो जाएगा, और कोई भी एग्जाम देना आराम से टाइपिंग देना, एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। पेज सप्लाई बस यही चाहिए भाई, खत्म।